पहली बार हमने नोट किया कि चुनाव के समय प्रधानमंत्री ने, होम मिनिस्टर ने और फाइनेंस मिनिस्टर ने स्टॉक मार्केट पर टिप्पणी दी। प्रधानमंत्री ने देश की जनता को इन्वेस्टमेंट एडवाइस क्यों दी, ये जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं इनके बीच में क्या कोई रिश्ता है, और अगर रिश्ता है तो क्या है। हम जेपीसी चाहते हैं, हम इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं। पहली बार हमने नोट किया कि चुनाव के समय प्रधानमंत्री ने, होम मिनिस्टर ने और फाइनेंस मिनिस्टर ने स्टॉक मार्केट पर टिप्पणी दी। प्रधानमंत्री ने दो तीन बार, चार बार देश को कहा कि स्टॉक मार्केट तेजी से आगे बढ़ने जा रही है। होम मिनिस्टर ने सीधा कहा कि 4 जून को स्टॉक मार्केट आसमान में जाएगी, लोगों को खरीदना चाहिए, और यही मैसेज फाइनेंस मिनिस्टर ने दिया। फर्स्ट ये आज थोड़ा हम तो ये क्रोनोलॉजी है। अमित शाह कहते हैं बाय शेयर्स बिफोर 4th जून। 19 में नरेंद्र मोदी जी कहते हैं स्टॉक मार्केट विल ब्रेक रिकॉर्ड्स ऑन जून 4th। फिर 28 मई को रिपीट करते हैं, 1st जून मीडिया झूठे एग्जिट पोल रिलीज करती है। बीजेपी का ऑफिशियल जो इंटरनल सर्वे था वो उनको 220 सीट दे रहा था, तो ये इंफॉर्मेशन बीजेपी के लीडर्स के पास था। इंटेलिजेंस एजेंसीज ने 200 और 220 के बीच में सरकार को बताया था कि उनकी सीट्स आ रही हैं। 3rd जून को स्टॉक मार्केट सारे रिकॉर्ड तोड़ देता है और 4 जून को खटाक से स्टॉक मार्केट अंडरग्राउंड चला जाता है। अगला स्लाइड दिखाइए जरा, ये देखिए 31 मई मैसिव स्टॉक एक्टिविटी, मोर देन डबल व्हाट वाज देयर ऑन 30th, मोर देन डबल व्हाट वाज देयर ऑन 29, 28th। ये अनोमली देखिए, ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो जानते हैं कि कोई ना कोई घपला हो रहा है। हजारों करोड़ रुपए यहां पे इन्वेस्ट हुए हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किए हैं, और उसके बाद 30 लाख करोड़ रुपए का लॉस होता है। किसका लॉस होता है? रिटेल इन्वेस्टर्स का लॉस होता है। तो ये जो आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कैम है, और इसके बारे में हम कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। पहला सवाल, प्रधानमंत्री ने देश की जनता को इन्वेस्टमेंट एडवाइस क्यों दी, और 5 करोड़ परिवारों को जो इन्वेस्ट करते हैं उनको प्रधानमंत्री ने, होम मिनिस्टर ने स्टॉक खरीदने का आदेश क्यों दिया। दूसरा, दोनों इंटरव्यूज जो किए गए थे वो अदानी जी के जो चैनल्स हैं उनको दिए गए थे, उन पर सेबी का इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, तो उन चैनल्स का क्या रोल है। और बीजेपी के बीच में जो फेक एग्जिट पोलस्टर्स हैं
और ये जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं इनके बीच में क्या कोई रिश्ता है, और अगर रिश्ता है तो क्या है। हम जेपीसी चाहते हैं, हम इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं, और देश इसकी सच्चाई जानना चाहता है।